कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने स्पीक अप इंडिया के माध्यम से देश के लाखों करोड़ों मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करने का आह्वान किया है जैसा आप सब जानते हैं कि कोरोना के बारे में जिस रूप में लॉकडाउन किया गया अचानक उसके कारण से पूरे देश को जो तकलीफ हुई है उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते विशेष रूप से मजदूर चल रहे पैदल घर की तरफ वो दृश्य विचलित करने वाले देशवासियों को किस प्रकार से रास्ते में डिलीवरी हो रही है बच्चे मारे जा रहे हैं औरतें मर्द मारे जा रहे हैं कोई कल्पना नहीं कर सकता इतना अस्त व्यस्त व्यवस्था हो गई जो पहली बार सुनने की रेलगाड़ी भी ट्रेन भी बम्बे से चलती पटना के लिए पहुंच जाती है उड़ीसा के लिए ऐसा नहीं अभिनियोग हृदय विदारक दृश्य देख करके जो संवेदनशीलता होनी चाहिए केंद्र सरकार में वो नजर नहीं आती है वरना इतने लंबे समय तक मजदूर कभी पैदल चलने की नौबत नहीं आती अगर केंद्र सरकार जैसे जारी कर रही थी एडवाइजरी राज्यों को उसी प्रकार से अगर वो एडवाइस जारी करते राज्यों को आपको बसें लगा करके ये सुनिश्चित करना चाहिए एक भी मजदूर आपके राज्य में आपके राज्य के किसी गांव में कस्बे में पैदल चलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए तो तीन दिन में ये संकट समाप्त हो सकता था जैसे राजस्थान ने किया मुझे बहुत दुख है कहते हुए लापरवाही का जो माहौल है देश के अंदर उससे लोग चिंतित हो गए हैं लोगों ने सरकार को सपोर्ट किया पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी ने ताली बजवाई थाली बजवाई बैंड बजवाए लोगों ने उसको स्वीकार भी किया और साथ भी दिया पूरे देश के अंदर जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से बैंड बनी हुई है पूरे देश के अंदर उसका हम सबको दुख है उसके कारण से ना आर्थिक रूप से गतिविधि शुरू हो पा रही है लॉकडाउन फोर के बावजूद भी ना पूरी तरह से रुक पा रहे हैं केसेस पहले एक तरह आ रहे हैं सरकार राज्य सरकारें पूरी कोशिश कर रही है किस प्रकार से कोविड नाइन्टीन का मुकाबला किया जाए केंद्र सरकार को चाहिए था कि वो आगे आकर के बगैर के बजाय कि राज्य सरकार मांग करे केंद्र से इमदाद देने की ये कोविड नाइन्टीन का वक्त है लॉकडाउन हो चुका है रेवेन्यू थर्टी परसेंट आ गई राज्यों की चाहे किसी पोर्टल पार्टी की राज्य सरकार हो केंद्र सरकार को आगे आके उनको पैकेज देना चाहिए था बीस लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करी पूरा देश दुनिया जानती है कि नाइन्टी परसेंट लोन के रूप में घोषणाएं हुई है उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है जब तक गरीब तक मजदूर तक दिहाड़ी मजदूर वालों को बीपीएल को स्टेट बीपीएल को अंत्योदय वालों को जब तक उनकी जेब में पैसा नहीं जाएगा तब तक वो पहला खर्च नहीं होगा परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी उसकी तो खर्च कैसे करेगा खर्च होंगी डिमांड बढ़ेगी तो जाके इकोनॉमी वापस पट्टी पर आएगी पर दुर्भाग्य से इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है उस कारण से आज लोग सब तकलीफ़ के अंदर है और बिजनेस व्यापारी हो चाहे दुकानदार हो दुकानें खोलने में माल बिक नहीं रहा है इसलिए सोनिया गांधी जी ने कहा था लॉकडाउन शुरू होते ही कि सरकार को चाहिए इक्कीस दिन का एडवांस पेमेंट करें नरेगा मजदूरों को उनकी बात सुनी नहीं गई अभी कांग्रेस मांग करिएगा आप दस हजार रुपये प्रति गरीब परिवार को दीजिए जिससे उसकी परचेजिंग पावर बढ़े उसके कारण से डिमांड बढ़ेगी और व्यापार शुरू होंगे इसलिए जो मांग की जा रही है पूरे देश के अंदर गरीबों के लिए पैकेज दीजिए जिससे कि गाड़ी पट्टी पर आए सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस अध्यक्ष है और राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा था अभी हाल ही में कहा है हम आलोचना नहीं करना चाहते सरकार की सरकार पूरी सरकार के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी आपको हर वक्त में उसके बावजूद भी अगर कोई सलाह देते हैं विपक्ष वाले तो उन सलाह को मानना नहीं मानना सरकार का काम है परंतु सुनने की बजाय उन सलाह को लेकर आलोचना करना कंडेम करना कैसे कैसे शब्द काम लिए जाते हैं पूरे मीडिया में आते हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है मैं फिर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस प्रेजिडेंट ने जो आह्वान किया है स्पीक ऑफ इंडिया इसके माध्यम से आज लाखों लोगों ने जो अपनी भावना व्यक्त की है ये तमाम प्रयास केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और दबाव देने के लिए किया जा रहा है जिससे कि आने वाले वक्त में गरीब आदमी का मजदूर का बेचारा इंसान का उनका भला हो सके और जो आज दृश्य बने हैं देश के अंदर वो समाप्त हो सके और गाड़ी पट्टी पर आ सके आर्थिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी और स्वास्थ्य सेवाओं को जो मजबूत करने की बात की जा रही है उस पर भी ध्यान जा सके मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार आज के इस अभियान के माध्यम से एक मैसेज लेगी और बजाय कि उसके बारे में टीका टिप्पणी करने के बजाय वो किस रूप में आगे आके फैसला कर सकती है दस हज़ार रुपये का प्रति व्यक्ति प्रति परिवार उसका फ़ायदा मिलेगा देश को ये मैं मानता हूँ धन्यवाद जय हिंद